नमस्कार। जैसे ही मार्च महीना खत्म होता है, अप्रैल महीना स्टार्ट होता है, तो ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट हमको एक चीज़ की मिलती है, वो है स्कूल की एडवर्टाइजमेंट। हर जगह पेपर में, मैगजीन में, चौराहे पे बड़े बड़े बैनर्स के साथ स्कूल की एडवर्टाइजमेंट मिलती है। और विशेषता हर स्कूल की एडवर्टाइजमेंट में एक बात सामने हमेशा दिखाई देती है, वो है 100% रिजल्ट। तो बहुत आश्चर्य होता है कि हर स्कूल का 100% रिजल्ट कैसे आ सकता है। बहुत बार ऐसा होता है कि कोई भी अगर कुछ करना चाहता है तो आसानी से बोल देता है, चलो स्कूल चालू करते हैं। मतलब स्कूल चालू करना ऐसी बात हो गई कि जैसे कोई दुकान चालू हो रहा है। तो 2-3 दिन पहले ही जब हमारी ही फ्रेंड सर्कल में ऐसी कुछ बात हो रही थी, क्या वही वही काम करके ना कंटाल गए हैं, कुछ करते हैं क्या करेंगे। तो किसी ने आइडिया दिया, चलो स्कूल खोलते हैं। तो ये बात कहीं ना कहीं मेरे मन में चल रही थी, और कल ही पेपर में एक और एडवर्टाइजमेंट जब देखी, तब मेरे मन में ये विचार आया और मैंने इस विचारों को कविता में लिखा है। कविता का शीर्षक है, कौवा चले हंस की चाल। कौवा चले हंस की चाल। उस दिन शहर का एक नामी गुंडा हमारे घर आया। उसे ऐसे देखकर हमारा दिल घबराया। बोला, मैडम मेरे धंधे में अब वो मज़ा नहीं है। मैं मेहनत तो करता हूँ पर प्रॉफिट नहीं है। ये किडनैपिंग, स्मगलिंग सब बकवास है। कैशलेस इकोनॉमी में सबके हाथ टाइट है। मैं एक स्कूल खोलना चाहता हूँ। अपना रास्ता बदल कर एक नया बिजनेस करना चाहता हूँ। अपना रास्ता बदल कर एक नया बिजनेस करना चाहता हूँ। उसका ये वाक्य सुनकर मैं तो चौंक गई। यही बाकी था कि इसको भी स्कूल खोलने की आइडिया आई। यही बाकी था कि इसको भी स्कूल खोलने की आइडिया आई। वो आगे बोला, मैडम मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। बिना क्वालिफिकेशन से क्या मैं स्कूल चला सकता हूँ? हमने कहा, जब बिना क्वालिफिकेशन से नेता देश चला रहे हैं तो तुम भी स्कूल चला सकते हो, और आगे अगर मन करा तो पॉलिटिक्स भी ज्वाइन कर सकते हो। ये सुनकर वो गुस्सा हो गया और बोला, मैडम हमारे धंधे में भी कुछ असूल होते हैं। मैडम हमारे धंधे में भी कुछ असूल होते हैं। हम धंधे के पक्के पर बेईमान नहीं होते हैं। हम धंधे के पक्के पर बेईमान नहीं होते हैं। हम पॉलिटिक्स में जाकर क्या करेंगे? गए भी तो ज़्यादा टिक नहीं पाएंगे। मैं एक ईमानदार गुंडा हूँ और राजनीति के बिल्कुल भी लायक नहीं हूँ। उसके ये विचार सुनकर मैं तो चकरा गई। और नेता क्या कम थे कि गुंडों के हाथों में भी अब शिक्षा की डोर आ गई। वो आगे बोला, मैडम वो वाली वाल्मीकि बना। मैं भी कुछ करना चाहता हूँ। अपने देश का भविष्य मैं भी बनाना चाहता हूँ। फिर आगे बोला, मेरे स्कूल का नाम कल्लू दादा पब्लिक स्कूल होगा। बच्चों को शूटिंग और फ्री स्टाइल सीखना कंपलसरी होगा।
बच्चों को शूटिंग और फ्री स्टाइल सीखना कंपलसरी होगा। बच्चे कोई भी ड्रेस पहनकर स्कूल में आएंगे। बच्चे कोई भी ड्रेस पहनकर स्कूल में आएंगे, टाई के बदले गले में रुमाल बांधकर आएंगे, टाई के बदले गले में रुमाल बांधकर आएंगे। मेरे स्कूल में बच्चों को टेंशन नहीं देने का, मेरे स्कूल में बच्चों को टेंशन नहीं देने का, वो पढ़े या ना पढ़े, वो पढ़े या ना पढ़े, सबको पास करने का, सबको पास करने का। उसकी ये बातें सुनकर मैंने सोचना चालू किया, उसकी ये बातें सुनकर मैंने सोचना चालू किया। वैसे भी बच्चे आजकल पढ़ कर रहे हैं, वैसे भी बच्चे आजकल पढ़ कर रहे हैं, वो तो सिर्फ मार्क्स ला रहे हैं, वो तो सिर्फ मार्क्स ला रहे हैं। ज्ञान और शिक्षा का नाता, ज्ञान और शिक्षा का नाता जब से टूट गया है, ज्ञान और शिक्षा का नाता जब से टूट गया है, देश के तरक्की का रास्ता कहीं छूट गया है, देश के तरक्की का रास्ता कहीं छूट गया है। मैंने सोचा कौवा भी हंस की चाल चल रहा है, मैंने सोचा कौवा भी हंस की चाल चल रहा है, जहाँ देखो वहाँ हर शाख पर उल्लू बैठ रहा है, जहाँ देखो वहाँ हर शाख पर उल्लू बैठ रहा है। धन्यवाद।